Hello students, so our today's topic is unseen passage. कोई भी English language paper में unseen passage का question जरूर आता है and usually section A में हमें ये question देखने को मिलता है. So what usually students do is they skip this part and move on to the another section. क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं ये passage इतना बड़ा passage read करूँगा तो मेरा काफी time waste होगा. But you should never do that. You should always attempt this first question at that time itself. आपको ये later on के लिए नहीं रखना है. And it is also a part of the question where you can easily grab marks. आपको यहाँ पर marks मिलना बहुत easy है क्योंकि यहाँ पे जो questions होती है उनके answers, each and every answers बहुत ही clearly इस passage के अंदर ही होता है. So let us begin without delaying much. So first of all, आपको ये पैसेज मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये पैसेज शुरू होती है, the voice had to be listened. इस तरह से ये पैसेज यहाँ पे जा रही है, till एक आपको इतना पैराग्राफ दिया है, लास्ट में यहाँ पर मिस्टर रूथ ने शेयर करके नाम दिया, यानी कि इन्होंने लिखा है, okay? The writer of this particular paragraph or the passage which is taken out from a book or article, उनके राइटर है ये. और उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, सो आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपको ये पैसेज और ये क्वेश्चंस मिल जाता है, आप यू हैव टू गो टू द क्वेश्चंस एंड रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. अब व्हाई टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे हिंट्स और ऐसे कीवर्ड्स मिल जाता है जिससे आपको आंसर ढूंढने में बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, आपको आंसर्स बहुत सिंपली मिल जाएगा. So before reading the passage, read the questions once, so that आपको दिमाग में वो बात रह जाएगी. और ये भी हो सकता है कि आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही ना हो. दूसरी एक बात ये होती है कि ये जो questions आती है वो usually एक sequence maintain करके आता है, यानी कि first question होगा तो वो passage का first paragraph या first जो stanza है उसमें से ही आता है, okay? और जो सेकेंड क्वेश्चन होता है वो या तो फर्स्ट पैराग्राफ के एंडिंग से या तो सेकेंड के पैराग्राफ के अंदर से आता है. एंड सेम गोज विद थर्ड क्वेश्चन, वो या तो सेकेंड पैराग्राफ के एंडिंग से या थर्ड पैराग्राफ के बिगिनिंग या उसके बीच में से आता है. ओके, सो मोर और लेस ये जो पैसेज की जो क्वेश्चंस होती है वो सीक्वेंस में ही आता है. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चंस हियर. व्हाई हैड पीपल लिसन टू द वॉइस ऑफ महात्मा गांधी. सो ये पैसेज का आपको यहाँ पर एक कीवर्ड मिल रहा है कि जो पैसेज है वो महात्मा गांधी की एक आर्टिकल है द वॉइस, उसके बारे में ये पैसेज बात कर रही है. ठीक है, और ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि क्यों ये पैसेज सब क्यों ये द वॉइस सबको पढ़ना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई हैड पीपल टू टेक एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें हो रही होगी जहाँ पे ये राइटर बोल रहा है कि लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना जरूरी है या क्यों जरूरी नहीं है, तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है. व्हाट वाज द चेंज ब्रॉट अबाउट इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, सो कोई यहाँ पे अगेन पॉलिटिक्स का एक क्वेश्चन आया है, उसमें क्या चेंजेस लानी है उनके ऑब्जेक्टिव्स में, ये बात हो रही है. व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वर मेड फॉर द कॉमन मैन. तो कॉमन मैन के लिए कोई इम्प्रूवमेंट्स बनाए हो वो क्या थी वो बोल रहे हैं. Sins of omission and of commission administration, no longer the monopoly of the classes but the property of the masses. Explain करना है आपको fifth question. So जैसे unseen poetry में आपको explain करने बोलते हैं poem की कोई भी दो line, वैसे यहाँ पर आपको दो sentences दी है passage में से जो आपको read करके explain करना है कि ये sentence का मतलब क्या होगा. Correct. So यहाँ पर first question हम solve करते हैं, why had people listened to the voice of Mahatma Gandhi. तो अब आप क्या करोगे, आप पैसेज के पास जाओगे, आपके पास ये पूरा पैसेज है. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा पैसेज है इतना सा. और आपको अगर ये जो क्वेश्चन में जो वर्ड है वो आपको मोर और लेस इसी जगह से मिल जाएगा, ये फर्स्ट जो पैसेज पैराग्राफ है उसमें से मिल जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई हैड पीपल लिसन टू द वॉइस ऑफ महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी जी ने जो लिखा है द वॉइस, उसे लोगों को क्यों सुनना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज सेइंग द वॉइस हैड टू बी लिसन नॉट ओनली एन अकाउंट ऑफ इट्स फॉर्म बट फॉर द मैटर विच इट डिलीवर्ड इट गेव अ मैसेज टू द कंट्री दैट इट नियरली नीडेड ग्रेटली. इट ब्रॉट द कॉमन पीपल अ रियलाइजेशन ऑफ देयर ड्यूटी एंड कंसर्न विद देमसेल्व्स विद देयर अफेयर्स. ठीक है,
सो ये है वो क्वेश्चन का आंसर कि ये जो द वॉइस है बाय गांधी जी, वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसे आंसर तुरंत, जैसे कि ये आंसर इजीली हमको मिल गया क्योंकि बिगिनिंग में था, सो व्हाट यू विल डू इस क्वेश्चन पेपर में स्लाइटली एक लाइट मार्क आप कर सकते हो, ब्रैकेट बना सकते हो या अंडरलाइन करना हो, एकदम लाइट मार्क, ज्यादा हाईलाइट करके नहीं, एकदम लाइटली, ताकि आपके दिमाग में रह जाए कि आपको ये आंसर कॉपी डाउन करना है। एंड देन यू हैव टू कॉपी डाउन एज इट इज गिवन हियर, करेक्ट? ओके, सो लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाई हैड पीपल टू टेक एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? सो यहाँ पर पूछ रहे कि लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों लेना पड़ा, ठीक है? सो लेट अस, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में तो देख लिया कि फर्स्ट आंसर जो हमें फर्स्ट पैराग्राफ से मिला, अगर आपको दिख रहा है, सी यहाँ पर आप अगर देख रहे हो, द कॉमन पीपल वर मेड टू टेक एन इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न इन द टैक्सेस दैट दे पेड एंड रिटर्न दे गॉट फ्रॉम द those taxes, this interest in public affairs, politics, as you may call it, was to be no concern. Okay, तो हमारा question सिर्फ इतना है, so ये भी ध्यान रखना कि जितना question है उतना ही answer देना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, क्योंकि maximum marks आपको वहाँ पे दिए हुए हैं कि one marker question आते हैं, या two markers आता है, three markers आता है, आपको उस हिसाब से answer देना है जितने marks का question है, आपको ना उससे ज़्यादा देना है ना उससे कम देना है, क्योंकि आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले इवन इफ आप ज्यादा दे दो। सो बेटर है जितना है उतनी ही, जितनी जरूरत है उतनी ही आंसर दो। सो यहाँ पर पूछा है कि कॉमन पीपल को क्यों इंटरेस्ट लेना था, द कॉमन पीपल वर मेड टू टेक एन इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड इन द टैक्सेस दे पेड इन रिटर्न दे गॉट फ्रॉम द दोस टैक्सेस। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द चेंज ब्रॉट अबाउट इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चेंजेस लाए, तो अगर आपको कोई वर्ड ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, सो हियर इट अस सी, एंड विद द चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिक्स दैट ब्रॉट दैट वॉइस ब्रॉट बट अबाउट ऑल्सो अ चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है? ये आप ये एक सेंटेंस लिख दो। अब क्वेश्चन आपका मेन है कि क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए थे। तो अगर हम ये वाला जो पैराग्राफ जो इसको कंटिन्यू कर रही है हम पूरा रीड करें, तो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा ऑब्जेक्टिव्स जो चेंज, जो भी ऑब्जेक्टिव्स लाए, जो चेंजेस लाए गए थे। सो यहाँ पर आप देखो, अगर लिखा होगा गवर्नमेंट द रेजिंग स्टैंडर्ड विच वुड गिव द इम्प्रूवमेंट, देखो यहाँ पर एक हाइफन लगा के दिखाया, दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स टू बी केप्ट इन व्यू, ठीक है? तो ये थी मेनली ऑब्जेक्टिव्स, तो आप यहाँ से यहाँ तक कवर कर दोगे, लेकिन आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो वॉइस द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लॉट ऑफ द पुअर पीपल वॉज टू बी द मेन कंसर्न, इतना लिख दो, ठीक है? द इम्प्रूवमेंट ऑफ पुअर पीपल वॉज द मेन कंसर्न, फिर लिख दो द इम्प्रूवमेंट स्पेशली ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल हु ऑफ द निग्लेक्टेड विलेजेस, उसके बाद द रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ विलेजेस, फाइंडिंग ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर पुअर वर्क फॉर द एनफोर्स लेजर, ठीक है? द इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउसिंग ऑफ द पुअर, द सैनिटेशन ऑफ द विलेजेस, दीज वर द ऑब्जेक्ट। ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो निकाल के लिख दो कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही बनेगा। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वर मेड फॉर द कॉमन मैन? तो यहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स क्या लेने, इम्प्रूवमेंट्स एंड कॉमन मैन। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लॉट, इम्प्रूवमेंट स्पेशली, ठीक है? सो ये सब है जो उन लोगों ने कॉमन मैन के लिए इम्प्रूवमेंट्स सोचे थे। तो ये जो पैराग्राफ है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो आप लिख लोगे आपके आंसर्स के लिए, राइट? तो आपको यही लिखना है, ठीक है? यहाँ से आपको पॉइंट्स निकाल के आंसर बना के लिखना है, दिस इज योर फोर्थ आंसर। यहाँ पर आपको फोर्थ आंसर मिल जाएगा। चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। फर्स्ट है सिंस ऑफ ओमिशन एंड ऑफ कमीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो सेंटेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है, सिंस ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पुअर लोगों के नेसेसिटी को ना देख कर बल्कि उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए यूज कर रहे थे, यानी कि ये टैक्सेस पे करने के लिए यूज कर रहे थे। तो ये सब के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी चेंजेस आए, जो रोल्स दिए जा रहे थे और जो गवर्नमेंट में जिन लोगों को अथॉरिटी और पावर दी जा रही थी वो सब चेंजेस आने लगे। तो वो सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे आप इस तरह से।
सो हम फिफ्थ का बी देख लेते हैं. नो लॉन्गर द मोनोपोली ऑफ द केसेस बट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैसेस. तो यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, पॉलिटिक्स वॉज नॉट टू बी द कंसर्न ऑफ स्मॉल एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द मैसेस. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स था उनको जो पीपल है उनसे लेना देना नहीं था, बल्कि उनसे टैक्सेस मिल रहे, उनके पैसे मिल रहे, उससे ज्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट था, ना कि उन लोगों में, यानी पीपल में. करेक्ट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए तो देख लेते हैं हम अपना सेकंड पैराग्राफ. तो ये आपका पैराग्राफ है और यहाँ पर एज यूजुअल क्वेश्चन भी दी हुई है. सो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. डेफिनेटली, व्हाट इज द पॉपुलर नोशन अबाउट बैड टेम्पर. ठीक है, तो बैड टेम्पर यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखे तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे पैसेज हो सकता है बैड टेम्पर के ऊपर बात हो रही है. हाउ इज बैड टेम्पर द वाइस ऑफ द वर्चुअस. अगेन बैड टेम्पर के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि फिर से वही बात हो रही है यहाँ पर पैसेज में. बैड टेम्पर हो जाता है आपका गुस्सा, जो आपको जल्दी, जिनको गुस्सा आ जाता है उसे बैड टेम्पर कहते हैं, यानी कि छोटी सी बात पे भी इरिटेट होके गुस्सा हो जाना उसे बैड टेम्पर कहते हैं. विच क्लास ऑफ सिन इज वर्स. ठीक है, मेंशन सम इवल्स ऑफ बैड टेम्पर. व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर विल द हेवन फॉर बैड टेम्पर फॉल. फाइंड आउट वर्ड्स. ओके, ठीक है, ये सब आपको ढूंढनी है. तो हम चलो फर्स्ट वाला देख लेते हैं. व्हाट इज द पॉपुलर नोशन अबाउट बैड टेम्पर. तो जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट तो हमें इजीली यहाँ पर ही मिल जाएगा. सो लेट अस सी कि क्या है. देखो यहाँ पर लिखा है कि बैड टेम्पर का यूजुअली क्या नोशन है, यानी लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में. आइडिया, नोशन यानी कि आइडिया. तो बैड टेम्पर के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि वो एक वीकनेस है. ठीक है, वी आर इंक्लाइंड टू लुक अपॉन बैड टेम्पर एज अ वेरी हार्मलेस वीकनेस. ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है वी स्पीक ऑफ इट एज अ मियर इन्फर्मिटी ऑफ अ नेचर, अ फैमिली फॉलिंग, अ मैटर ऑफ टेम्परमेंट, नॉट अ थिंग टू टेक इन टू वेरी सीरियस अकाउंट इन एस्टिमेटिंग अ मैंस कैरेक्टर. तो यहाँ पे ये जो राइटर है वो कह रहा है कि ये जो बैड टेम्पर होता है उससे बहुत कुछ बिगड़ता है जिंदगी में. लोगों की फैमिली बर्बाद हो जाती है, लाइफ बिगड़ जाती है. ठीक है, फ्रेंडशिप में इश्यूज आती है. तो और एक मैन के कैरेक्टर का बहुत सीरियस नोट होता है, लेकिन हम उसे उस तरीके से नहीं देखते. हम उसको सिर्फ एक ऐसे बैड टेम्पर को हम सिर्फ एक हार्मलेस वीकनेस की तरह देखते हैं. सो ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ इज बैड टेम्पर द वाइस ऑफ द वर्च्यूज. तो हमें सीक्वेंस में जाना है, हमें फर्स्ट आंसर तो ये यहाँ से मिल गया था. सेकेंड आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है वाइस ऑफ द वर्च्यूज, यानी कि वर्चुअस इंसान एक जो सच्चा आदमी होता है उसका एक खराब बात, यानी कि वाइस यानी कि उसकी कोई खराब या तो कोई बुराई होती है उसका गुस्सा. तो वो किस तरीके से उसका गुस्सा होना एक बुरी बात है. तो वो आप इस सेंटेंस को यहाँ से लिख लोगे, द पेक्यूलरिटी ऑफ इल टेम्पर इज दैट इट इज द वाइस ऑफ द वर्च्यूज, इट इज ऑफन द वन ब्लॉट ऑन एन अदरवाइज नोबल कैरेक्टर. ठीक है, इतना आपका सेकेंड का आंसर हो जाता है. लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. विच क्लास ऑफ सिंस इज वर्स. तो यहाँ पे काफी सिंपल क्वेश्चन है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर हम सीक्वेंस वाइज जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिंस जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, द ट्रूथ इज देर आर टू ग्रेटर क्लासेस ऑफ सिंस, सिंस ऑफ द बॉडी एंड सिंस ऑफ डिस्पोजिशन. यानी कि एक दो प्रकार के सिंस होते, एक होते बॉडी के सिंस और एक होते दिमाग, जो आपके दिमाग में इनहेरिटेड सिंस होता है, जो आपके दिमाग में होता है. ठीक है, तो ये है दो टाइप्स के सिन. ओके, मेंशन सम इवल्स ऑफ बैड टेम्पर. तो आपको बता देना है बैड टेम्पर के कुछ कुछ खराब बात, बैड टेम्पर्स. जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लिखा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल इल टेम्पर. तो यानी कि ये सारे आपको नोट डाउन कर देने हैं, जेलिसी, एंगर, प्राइड, अनचैरिटी, क्रुएल्टी, क्रुएलिटी, सेल्फ राइटियसनेस, टचीनेस, टॉर्चनेस, सलनेस इन वेरिंग प्रपोर्शन, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल इल टेम्पर. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ का आंसर. फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर विल द हेवन फॉर बैड टेम्पर्ड फॉल्क. सो इसका आंसर हो जाएगा कि देखो यहाँ पर ये लिख रहा है, देर इज रियली नो प्लेस इन हेवन फॉर अ डिस्पोजन पोजिशन लाइक दिस. अ मैन विद सच अ मूड कुड ओनली मेक हेवन मिजरेबल फॉर ऑल पीपल इन इट. तो वो क्या बोल रहा है कि
कि ऐसे इंसान के लिए हेवन में भी जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे मूड के साथ हेवन में भी गया तो वहाँ के लोगों के लिए भी वो हेवन जीने लायक नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। फिर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, तो यानी कि आपको यहाँ पे तीन चार जो वर्ड्स दिए आपको उसके मीनिंग इस पैसेज में से ढूंढ के आंसर लिखना है। तो ब्रेकिंग अप, यानी कि ब्रेकिंग अप का होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है? डिस्ट्रॉइंग, आप डिस्ट्रॉइंग लिख सकते हो। दूसरा डिवेस्टेटिंग भी एक मीनिंग होता है, तो आप ये दोनों भी लिख सकते हो, आप कोई एक भी लिख सकते हो। सावरिंग, सावरिंग यानी कि कोई चीज़ का खट्टा हो जाना। अगर हम यहाँ पर गुस्से की बात करें या रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों में जो कड़वाहट आ जाती है उसे हम इंग्लिश में सावरिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसका मीनिंग हो जाएगा, लेट अस फाइंड आउट, एम्बिटरिंग, ठीक है? एम्बिटरिंग बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था कड़वाहट, तो सावरिंग का मीनिंग आप एम्बिटरिंग लिख सकते हो। इजिली और क्विकली ऑफेंडेड, तो जल्दी से इरिटेट हो जाना या क्विकली ऑफेंड हो जाना, उसके लिए भी एक वर्ड होता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो कौन सा है, ठीक है? यहाँ पर मुझे वर्ड दिख रहा है टचीनेस। तो टचीनेस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जल्दी से बहुत टची होता है आपको, आप उसे कुछ भी बोल दो, जो उसको उसको आप अगर चिढ़ाने के लिए कुछ बोलते हो तो वो जल्दी से फील कर जाता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्विकली ऑफेंडेड, इजिली और क्विकली ऑफेंडेड। सो दीज वर योर टू पैसेजेस। नाउ आई बी शोइंग यू वन मोर पैसेज, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है आपको, उसे सॉल्व करते आपको देखना है कैसे आप सॉल्व करते हो। देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज मैं दे रही हूँ, ये आप इसका या तो पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी आपको करना हो इसको आपको सॉल्व करना है, और ये इसके क्वेश्चंस है, आपको इनमें से आंसर ढूंढ के निकालना है।